नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सो इस लेक्चर में हम एलजेब्रा की हमारी लेक्चर की सीरीज में हम अब इस बार एक बड़ी मेन थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे और कुछ एग्जांपल से उसको वेरीफाई भी करेंगे, जिसको लैग्रांजिस थ्योरम कहते हैं। और साथ में हम एक ग्रुप के एक ऐसे सेट की चर्चा करेंगे, सबसेट की चर्चा करेंगे जो कि सब ग्रुप नहीं है, इन जनरल सब ग्रुप नहीं होता है। सब ग्रुप हो भी सकता पर इन जनरल सब ग्रुप नहीं होता है। तो ये स्टार्ट करने के पहले यहां पर चर्चा करना चाहता हूं मैं वो सेट्स की। तो मैं आपको ना एक मैं ग्रुप में एक ऑपरेशन लेके चलूंगा इस बार, तो आपको ज्यादा समझने में सहूलियत होगी। फिर मैं नोटेशन बताऊंगा हम कौन सी नोटेशन बाद में फॉलो करेंगे। जी स्टार, स्टार मीन्स इस पे कोई ऑपरेशन है, जी स्टार कोई ग्रुप है मान लीजिए, जी स्टार कोई ग्रुप है, एच कोई इसका सब ग्रुप लीजिए। सपोज एच इज ए subgroup of G। अब जरा ध्यान से देखिए मैं कैसे सेट्स बना रहा हूं। कंसीडर एन एलिमेंट ए ऑफ टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सबसेट ऑफ जी एज फॉलोज। एक सबसेट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसा सबसेट देखिए जा सकता ए स्टार एच, नाम दिया मैंने ए स्टार एच। ये कैसा सेट है, जी के कैसे एलिमेंट से बना है, ए स्टार एच जहां एच मेंबर है एच का, मतलब ए मैंने जी का मेंबर लिया है। ए स्टार एच एक नया सेट बनाया है जिसके सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जहां पर ये एच जो है वो कहां से आ रहा है, एच से आ रहा है। मान लीजिए एच में एलिमेंट है, मान लेते हैं एच में एलिमेंट है एच वन एच टू एच थ्री एंड सो ऑन। तो इस ए स्टार एच में मेंबर क्या होंगे, ए स्टार एच वन ए स्टार एच टू, ये स्टार ऑपरेशन है, ए स्टार एच थ्री एंड सो ऑन। और आपको पता है ए जी का मेंबर है, एच वन एच का मेंबर है और एच जी का सब ग्रुप है, तो ये एच वन जी का मेंबर है, तो ए स्टार एच वन भी जी में होगा, ए स्टार एच टू भी जी में होगा, तो ये जी का ही क्या होगा, ये जी का ही एक सबसेट होगा। तो अभी मैंने कुछ नहीं कहा, एक ये सब ग्रुप हो भी सकता है और सब ग्रुप नहीं भी हो सकता है। इन जनरल ये सब ग्रुप नहीं होता है पर किसी विशेष परिस्थिति में सब ग्रुप भी हो सकता है। पहले उसमें से एक परिस्थिति तो मैं अभी क्लियर कर दूं, क्या इसको ये देखिए, ई इज
identity of G. Then, ध्यान से देखिए, E star H ये सबसेट क्या बनेगा? E star H, जहां H मेंबर है किसका? H का. E star H, E तो आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा. इसका मतलब तो ये सारे के सारे H आ गए जो H के एलिमेंट थे. इसका मतलब तो H आ गया. तो E star H इस केस में तो H के बराबर होगा. इसका मतलब E star H इस केस में सबरूप ही होगा क्योंकि वह H सबरूप है. तो E star H, ये एक नया रूल हमने सीखा, यदि E आइडेंटिटी है तो E star H हमेशा H होगा. किसी भी G के किसी भी सबग्रुप के लिए E star H हमेशा H होगा. हर बार ऐसा संभव नहीं है, याद रखिए, हर बार ऐसा संभव नहीं है. और कब संभव है? आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, और कब संभव है? क्या और पॉसिबिलिटी है? हाँ, मेरा आंसर है यस. क्यों नहीं? इफ A मेंबर है H का, आपने A G से उठाया था, मान लीजिए G से उठाया जो एलिमेंट A है वो H में बैठा हुआ है, तब ये स्टार H क्या होगा? तब ये A स्टार H क्या होगा? जब A खुद H का मेंबर हो, इसका मतलब A स्टार H ये होगा, जहां H H का मेंबर है. पर A तो H का मेंबर है, H भी H का मेंबर है, H सबग्रुप है. इसका मतलब A स्टार H भी H का मेंबर है. इसका मतलब ये तो सबसेट हो गया किसका? H का. A स्टार H H का सबसेट हो गया. अब A स्टार H H के बराबर होगा कि नहीं होगा ये आपको बताना है. तो ये आपकी प्रॉब्लम है. Is it true that A star H equal to H for A member of H? सोच के बताइएगा, अगली बार सोच के बताइए कि मैंने तो ये बता दिया आपको कि A star H H का सबसेट होगा. ये मैं आपको बता चुका हूं. आपको ये बताना है कि A star H के H के बराबर होगा. इसका मतलब आपको दिखाना है कि H इसका सबसेट हो जाए. आपको पता है A यदि सबसेट है B का, B यदि सबसेट है A का, इसका मतलब होता है A बराबर B. ये इसका सबसेट है. यदि ये बराबर होगा तो आपको इसको इसका सबसेट बताना है. मतलब इसका हर एलिमेंट इसमें होना चाहिए. इसका कोई भी एलिमेंट उठाएं तो क्या वो यहां पर होगा, ये आपको देखना है. कोई भी एलिमेंट यहां का उठाए वो यहां होगा कि नहीं होगा, ये आपको देखना है. तो मान लीजिए मैं यहां पर क्या करूं, सपोज H इज मेंबर ऑफ H. A किसका मेंबर था? H का. क्या दिया था आपको? क्या दिया है हमें? A किसका मेंबर है? H का. इसका मतलब H सबग्रुप है तो A इनवर्स भी किसका मेंबर होगा? H का. H H का मेंबर है, A इनवर्स भी H का मेंबर है. इसका मतलब H क्लोज होता है. H यदि क्लोज होता है तो H H क्लोज होता है तो A इनवर्स H भी किसका? A इनवर्स स्टार H भी किसका मेंबर होगा? H का. तो ये A इनवर्स स्टार H भी मेंबर किसका हो गया? H का हो गया. तो मेरा H मेंबर है H का, A इनवर्स स्टार H मेंबर है H का, A इनवर्स भी मेंबर है H का, तो A इनवर्स स्टार H भी किसका मेंबर हो गया? H का मेंबर हो गया. A इनवर्स स्टार H का मेंबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई? A इनवर्स स्टार H का मेंबर हो गया तो ये जरूरी तो नहीं कि A इनवर्स स्टार H इसका भी मेंबर हो जाए. इसका मेंबर तो A स्टार H है, इसमें तो इस तरह के मेंबर आने चाहिए. यदि H H में है तो मुझे ये दिखाना है कि H यहां पर भी होगा. तो A इनवर्स स्टार H H का मेंबर है. अब ध्यान से देखिए अच्छी तरह से, A इनवर्स स्टार यदि H का मेंबर है तो ऊपर क्या बोलता है?
ए स्टार ए इनवर्स स्टार एच, ये तो एच का मेंबर है, ए ये था, इसका मतलब ए स्टार ये किसका मेंबर हो गया, ए स्टार एच का। इसका मतलब ए स्टार ए इनवर्स स्टार एच किसका मेंबर हो गया, ए स्टार एच का। इसका मतलब ई स्टार एच किसका मेंबर हो गया, ए स्टार एच का। इसका मतलब एच किसका मेंबर हो गया, ए स्टार एच का। कहां से शुरू किया था आपने बताइए, एच किसका मेंबर था, एच का। क्या दिखा दिया, एच किसका मेंबर है, ए स्टार एच का। इसका मतलब आपने दिखा दिया एच सबसेट है ए स्टार एच का। पहले स्टेप में क्या दिखाया था आपने, ए स्टार एच सबसेट है एच का। दूसरे स्टेप में क्या दिखाया, उल्टा भी सही है। देखिए यहां पर ध्यान से, इसका मतलब हो गया दस ए स्टार एच इक्वल टू एच इफ ए बिलोंग्स टू एच, ये भी एच के बराबर हो गया। तो मैंने दूसरी चीज और सीखी भाई आज, ए स्टार एच भी एच के बराबर होता है इफ, कब, जब ए किसका मेंबर हो, एच का। ये वाली बात यहीं आ गई क्योंकि ई भी एच का मेंबर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी, अभी कोई नई चीज नहीं मिली आपको। तो नई चीज तो मिलने की संभावना तभी है जब ए स्टार एच, एच कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब ए एच में ना होता, अदरवाइज तो पॉसिबल। सो ये जो मैंने सेट डिफाइन किया, ये सेट ए स्टार एच इज कॉल्ड, इस ए स्टार एच को, ए स्टार एच इज कॉल्ड लेफ्ट, देखिए ए को किस साइड से किया है अप्लाई, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट को सेट ऑफ एच इन जी। ध्यान से देखिए बात को, ए स्टार एच इज कॉल्ड लेफ्ट को सेट ऑफ एच इन जी। मैंने इसकी दो प्रॉपर्टी दिखा दी है आराम के साथ में, आपने देखी दो प्रॉपर्टी, ए स्टार एच बिल्कुल कुछ भी नहीं, ए स्टार एच एच हो जाएगा यदि वो ए एच में है। तो ए स्टार एच तभी ब्यूटीफुल होगा या काम का होगा जब ए एच में ना हो, तभी कुछ चांसेस है कि कुछ अच्छी चीज हमको मिलेगी। इन कोसेट का कमाल क्या है, तो हम सबसे पहले इस कोसेट के ऊपर चर्चा करने के पहले हम ये बात करें, कौन सी बात करें भाई, देखें ये मैंने स्टार में लिखा है। अब देखिए यहां पर, यदि ये ऑपरेशन एडिशन की है, यदि हमने ए स्टार एच लिखा था, क्या बोला था इसको हमने, लेफ्ट कोसेट। इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं राइट कोसेट को, राइट कोसेट कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ नहीं, एच स्टार ए होगा, इसके एलिमेंट होंगे एच स्टार ए, जहां एच मेंबर है किसका, एच का, और ये भी एक सबसेट होगा जी का। अब आपके दिमाग में कई क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्या लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो सकता है, क्या ए स्टार एच बराबर एच स्टार ए हो सकता है, पहला क्वेश्चन ये किसी भी ग्रुप में। और यदि आप सही तरीके से सोचें तो ये बहुत, इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। हाँ एक जगह इसकी संभावना पूरी दिखती है, कब, यदि आपका, इफ योर ग्रुप जी इज कम्यूटेटिव, यदि ग्रुप कम्यूटेटिव है तो उसके सारे सब ग्रुप भी कम्यूटेटिव होंगे। इफ योर ग्रुप जी इज कम्यूटेटिव देन ए स्टार एच इक्वल टू होता है एच स्टार ए। यदि ग्रुप कम्यूटेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो आप ऑर्डर इधर से इधर कर दीजिए, दोनों चीजें सेम देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट कोसेट में और राइट कोसेट में कोई फर्क नहीं। पर इन जनरल ये सही नहीं होता है। तो हमारे पास दो फिनोमेना आए हैं कोसेट के बारे में, हमें दो
दो जी के सबसेट मिले हैं जिनमें एक को मैंने लेफ्ट कोसेट कहा है और एक को मैंने राइट कोसेट कहा है। यदि जी एडिटिव ग्रुप है, इफ ऑपरेशन इज एडिटिव, जिसको हम प्लस के साइन से डिनोट करते हैं, यदि ऑपरेशन ग्रुप की ऑपरेशन एडिटिव है, इसका मतलब इफ स्टार इज एडिटिव ऑपरेशन डिनोटेड बाय प्लस, देन ए प्लस एच एच मेंबर है एच का, एंड एच प्लस ए एच मेंबर है एच, ये है लेफ्ट कोसेट और ये है राइट कोसेट। और यदि आपका ग्रुप क्या है, इफ योर ग्रुप इज, यदि आपका ऑपरेशन क्या है, इफ ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेटिव कह देंगे हम, तो हम जनरली ये स्टार एच पे ये स्टार लगाते नहीं है, क्या लिखते हैं, ए एच, ए एच एच मेंबर है एच का, ये हो गया आपका लेफ्ट कोसेट, और एच ए एच ए ये हो गया आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है डेफिनेशन में, कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है डेफिनेशन में, लिखने का तरीके में फर्क है बस केवल। तो मैंने इसीलिए स्टार ऑपरेशन से शुरू किया था, डिपेंड करता है। तो मैं अब अपने कोर्स में अपने अगले ये मान के चलूंगा कि मेरे ऑपरेशन की सारे ऑपरेशन मल्टीप्लीकेटिव है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सुविधा के लिए। आप जो भी ऑपरेशन हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जनरल ऑपरेशन आप ऐसे लिखना शुरू करिए, तो मैं जनरली इसमें वर्क करूंगा, ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए बार बार ऑपरेशन के बारे में बात करने से। अब हम वास्तव में आपको एक लेफ्ट और राइट कोसेट बना के दिखाते हैं। याद करिए हमने पिछली क्लास में जेड फोर के बारे में बात की थी, जेड फोर एडिशन मॉड्यूलो फोर ऑपरेशन है, एडिशन मॉड्यूलो फोर का था मैंने याद करिए इसका मैंने चार्ट बनाया था, याद आ रहा होगा आपको, हमने चार्ट तैयार किया था इसका, इसके एलिमेंट हमने क्या लिखे थे, 0 1 2 3 0 1 2 3, हमने ऑपरेशन क्या ली थी, एडिशन मॉड्यूलो इसको कहते थे, इसको याद रखिए बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये है एडिशन मॉड्यूलो, मॉड्यूलर अरिथमेटिक की बात हो रही है, मॉड्यूलो फोर, एडिशन मॉड्यूलो फोर, 0 1 2 3 1 2 3 2 3 0 3 0 1 0 1 2, ऐड किया 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वो लिख दिया मैंने, ये ग्रुप था। अब जरा ध्यान से देखिए क्या हम इसके कोई सब ग्रुप बना सकते हैं, कोई सब ग्रुप इसके पॉसिबल है जो हम देख सके, यहां पर कोई सब ग्रुप इसके, कोई सब ग्रुप दिखाई दे रहा जेट फोर के, कोई सब ग्रुप है वो बताइए आप, कोई सब ग्रुप जेट फोर का, कोई भी सब ग्रुप, टू से जनरेट होने वाला सब ग्रुप क्या हो सकता है, ये देखिए जरा मैं टू से जनरेट होने वाला सब ग्रुप की बात करूं, क्या क्या होगा इसमें, टू 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 एंड सो टू जीरो टू जीरो, अरे इसका मतलब इसमें केवल दो ही एलिमेंट आए, जीरो और टू, और देखें जरा ये सब ग्रुप होगा, ये एच एक नया बना, अभी हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा हुआ है, इसको हम कहते हैं
साइक्लिक सब ग्रुप टू से जनरेट होने वाला एडिशन के रिस्पेक्ट में, उसमें केवल दो ही एलिमेंट है, जीरो और टू, केवल दो ही एलिमेंट है, ध्यान से देखिए। और ये सब ग्रुप ही है, क्यों है मैं आपको दिखा सकता हूं ये क्यों सब ग्रुप है। यदि आप थोड़ा सा अटेंटिव हो, थोड़ा सा ध्यान दें अच्छी तरह से, तो आपको ना ये टेबल में भी दिखाई देगा। यहां पर टेबल में किस तरह से दिखाई देगा, टेबल में देखिए आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, देखने का तरीका, टेबल को पढ़ने का तरीका सुनिए, इसमें आप सब ग्रुप ढूंढ सकते हैं। देखिए जीरो और टू वाला कॉलम चूज करिए, ये वाला कॉलम चूज करिए और ये वाला कॉलम चूज करिए, और रो चूज करिए, ये वाली रो चूज करिए और ये वाली रो चूज करिए, उनका कॉमन निकालिए, कौन कौन कॉमन है, ये 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 और ये, छोटी सी टेबल बन गई, जीरो टू जीरो टू, ऑपरेशन वही है। और देखिए जीरो से जीरो को किया तो जीरो आया, जीरो से टू को किया टू आया, टू से जीरो को किया टू आया, और टू से टू को किया जीरो आया। देखिए मैंने उस ग्रुप में एक सब ग्रुप ढूंढ दिया। आप घर जाके थोड़ा और काम करिए अपना, मुझे और सब ग्रुप ढूंढ के बताइए कुछ और पॉसिबल है कि नहीं। कितना अच्छा तरीका है देखिए सब ग्रुप ढूंढने का, देखिए कॉमन रो और कॉमन रो से और कॉमन कॉलम से देखिए, तो ये एच इसका सब ग्रुप है। आइए अब क्या बनाएं, हमारी ऑपरेशन याद करो, एडिशन की है यहां पर, ये वाली ऑपरेशन है, तो हमारे नोटेशन में स्टार की जगह ये आना चाहिए ऐसे देखा जाए टेक्निकली, पर मैंने आपसे बताया कि मैं अब ये नहीं लिखूंगा, मान के चलूंगा। जब मैं ए एच लिख रहा हूं इसका मतलब मैं मान रहा हूं, पर फिर भी मैं आज की इस एग्जाम्पल में फिर भी उस चीज को रखता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, पर बार बार ही ना ये चीज रखना क्लमजी हो सकता है बहुत। इसके मैं एक क्वेश्चन बना के आपको दिखाऊं, जीरो और टू एलिमेंट है एच के, मैं क्वेश्चन मैंने बताया था, यदि मैं पहले तो ये दिखाऊं, यदि मैं जीरो और टू में से कोई भी एक उठाऊंगा तो यही वाला एच मिलेगा, देखो कैसे, यहां देखो, और ये कम्यूटेटिव ग्रुप है तो इसमें लेफ्ट क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन सेम होंगे, तो किसी एक के लिए काम करिए केवल। तो लीजिए मैं ये काम करता हूं, मैं टू एच, एच मेरा ये है, एच बनाता हूं, क्या डेफिनेशन थी इसकी समझिए, टू हां एच के कौन से एलिमेंट से करूं पहले, जीरो से, फिर टू एच के कौन से एलिमेंट से करूं, दूसरे वाले से, ये मेरी डेफिनेशन में क्वेश्चन ऐसे बनाया था, मैंने लेफ्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, क्या आया बोलिए, टू, क्या आया बोलिए, जीरो, ये तो फिर से क्या आ गया एच, और ये हो नहीं था, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक बताया है यदि एलिमेंट आप एस से उठाएंगे तो ए स्टार एच एच ही होगा, तो टू तो आपने एस से ही उठाया था तो एच ही आया। अब ऐसा करते हैं एक एलिमेंट उठाते हैं जो एच में नहीं है, थ्री को उठाते हैं, अब हम राइट बनाते हैं कोसेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा राइट और लेफ्ट का आंसर, एच थ्री, तो एच में पहला एलिमेंट जीरो है थ्री, दूसरा एलिमेंट एच में टू है थ्री, क्या मिला बोलिए, थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, फोर से डिवाइड किया वन, ओ देखिए आपने जो एलिमेंट उठाया था वो एच का नहीं है, थ्री जी में है पर एच में नहीं है, ये जो कोसेट है ये क्या बना, ये एच के बराबर नहीं है और होगा भी नहीं, एच कब होता, जब वो एलिमेंट एच में होता, पहली बात तो ये एच नहीं है, दूसरी बात देखिए क्या ये सब ग्रुप है, कोई बात नहीं चेक करते हैं, ये देखो फिर मैंने दिखाया था आपको वन वाली, इसमें दो एलिमेंट है, वन वाला कॉलम लीजिए और थ्री वाला कॉलम लीजिए, पर मेरा कहना तो यह है कि कॉलम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बोले क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, यदि ये सब ग्रुप होता तो इसमें आइडेंटिटी जरूर होती, ये तो ऐसा सेट है जिसमें आइडेंटिटी है ही नहीं, तो इसके सब ग्रुप होने के चांसेस तो यही खत्म हो गए, तो ये काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, इट इज नॉट सब ग्रुप ऑफ जी,
ये जी का सब ग्रुप है ही नहीं. व्हाट इज सब ग्रुप ऑफ जी मीन जी क्या है मेरा यहाँ पर जेड फोर विच इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी. ये केवल जेड फोर का क्या है इट इज मियरली सबसेट ऑफ जेड फोर. ये जेड फोर का केवल एक सबसेट है और ये हमारे लिए अच्छा ये एक्चुअली देखा जाए तो ये कोसेट है जो सब ग्रुप ही नहीं बन पाया और केवल ये सबसेट है. और देखिए सारी बातें जो मैंने बातें जनरल की थी वो सारी इस एग्जांपल में मैंने डिराइव कर दी है. अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या है फिर से देखिए प्रॉब्लम क्या है आपको आपके लिए फिर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम आपके लिए ये है फाइंड लेफ्ट एंड. अब मैं नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप में बात कर रहा हूं याद रखिएगा. फाइंड लेफ्ट नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप में लेफ्ट और राइट कोसेट अलग अलग हो सकते हैं. फाइंड लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स ऑफ आर जीरो आर एफ टू. याद आ रहा है आर जीरो था इक्विलेटरल ट्रायंगल की सिमेट्री थी रोटेशन बाय जीरो डिग्री आर एफ टू था रिफ्लेक्शन अलोंग द सेकेंड मीडियम. फाइंड द लेफ्ट एंड राइट कोसेट ऑफ आर फोर एंड आर एफ टू ऑफ ए सुटेबल. आपको आप एक सब ग्रुप चूज करना है सुटेबल सब ग्रुप ऑफ एस थ्री. एस थ्री में पहला काम तो आपको करना है कि सब ग्रुप ढूंढ करना है ढूंढना है. इसका मतलब एस थ्री एक चार्ट बनाइए और मैंने आपसे बोला एक सब ग्रुप ढूंढिए और फिर आपको इन दोनों का क्या बताना है लेफ्ट और राइट कोसेट बताना किसी भी सब ग्रुप को एक सब ग्रुप चूज करने के बाद. तो ये काम आपको करना है कोसेट बनाने के लिए. हम कोसेट का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं. कोसेट में ऐसी क्या बात है जो हमने इसकी स्टडी की है. हमने कोसेट की स्टडी क्यों की हमारा इंटरेस्ट क्या है कोसेट. कोसेट में हमारे कई कोसेट का कई कोसेट के कई करेक्टराइजेशन है. कोसेट की कई कोसेट की यूजफुलनेस बड़ी स्प्रेड बहुत ही वाइडली स्प्रेड यूजफुलनेस है. पर हम कोसेट में क्यों इंटरेस्टेड है उसका एक एग्जांपल जाने के पहले मैं आपको ना पहले सबसे पहले एक नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन फिर मैं कोसेट की बात आपको बताऊंगा. तो पहले मैं एक नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन दूं और तब मैं बताऊंगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है नॉर्मल सब ग्रुप. नॉर्मल सब ग्रुप सब दीज सब ग्रुप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ग्रुप इन होल ग्रुप थ्योरी. याद करिए नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर में जो बिल्डिंग ब्लॉक होते थे माने आप पूरे नेचुरल नंबर सिस्टम को बना सकते हैं जिसकी बिल्डिंग उस नेचुरल नंबर सिस्टम को यदि बिल्डिंग मान लें तो उसका जो नीचे बनी हुई नींव है वो नींव होती थी प्राइम नंबर. तो बोलते हैं प्राइम नंबर को नंबर सिस्टम की बिल्डिंग उस बिल्डिंग के ब्लॉक्स कहते हैं. नींव भी नहीं उस बिल्डिंग के जितने पत्थर लगे हुए हैं बिल्डिंग को बनाने में वो सब प्राइम नंबर हैं. उसी तरह से जिस तरह से नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर बिल्डिंग ब्लॉक है उसी तरह से ग्रुप थ्योरी में नॉर्मल सब ग्रुप भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. नॉर्मल सब ग्रुप ग्रुप थ्योरी में ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे प्राइम नंबर्स नंबर सिस्टम में करते हैं. इसीलिए इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बहुत यूज है नंबर थ्योरी में. और गैलवा जो आपने गैलवा का नाम सुना होगा गैलवा और अबेल वैसे अब हम ग्रुप थ्योरी में उस पार्ट की चर्चा कर रहे हैं जो एक्चुअली जहां से ग्रुप थ्योरी का विकास हुआ है. तो गैलवा वॉज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन. सबसे पहले पहले जो था इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके ढूंढने के ऊपर बात हुई थी. इक्वेशन को आप रेडिकल से कैसे सॉल्व करते जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी कैसे याद करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व कैसे करते थे आप एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर फेमस फार्मूला है टू ए बच्चा बच्चा जानता है इस फार्मूले को क्वाड्रेटिक. क्वेश्चन ये था कि क्या हम
सारी इक्वेशन को, ये तो 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक 4 डिग्री की, 5 डिग्री की, क्या हम सारी इक्वेशन को इस तरह के रेडिकल्स और प्लस माइनस के साइन को यूज करके क्या सॉल्व कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था आज से 100-200 साल पहले, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। याद करिए, इक्वेशन को सॉल्व करना ग्रुप थ्योरी की भी और मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच की सबसे मेन खासियत है। गैलवा और आबिल ने यही दिखाया कि हर इक्वेशन को आप इस तरह की मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल, और उसी से जन्म हुआ है गैलवा की ग्रुप थ्योरी का। सो गैलवा ग्रुप्स कहते हैं, और गैलवा ने एक्चुअली जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक यूज किए थे वो थे नॉर्मल सर्कल। सो ये गैलवा की बड़ी ट्रेजिक डेथ हुई ड्यूएल में, एक अलग स्टोरी है। आप किसी बुक में गैलवा के ऊपर कोई जनरल बुक पढ़ेंगे तो आपको इसकी स्टोरी पता चलेगी। 21 इयर्स की एज में इसकी डेथ हो गई, और गैलवा ने 16 पेजेस में ग्रुप थ्योरी पर, जिसको गैलवा थ्योरी भी कहते हैं, केवल 16 पेजेस लिखे हैं, और वो 16 पेजेस 500 सालों तक रिसर्च करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उसमें इतना रिसर्च हो सकता है। सो एनीवे, ये एक अलग स्टोरी है, आप आज बेल की बुक पढ़िए। बेल की बुक है मैथमेटिशियंस के ऊपर, मुझे अब पूरा याद नहीं आ रहा इस समय, पर मैं बाद में लिखूंगा कभी लेक्चर में, तो उसमें कई मैथमेटिशियंस के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें एक यंग मैथमेटिशियन के बारे में लिखा हुआ है जो गैलवा है, जिसकी डेथ केवल 21 इयर्स की एज पर होती है। तो एनीवे, हमारा इंटरेस्ट अब इस नॉर्मल सब ग्रुप पर है, कैसे सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। तो जी मान लीजिए हमारा एक ग्रुप है एंड एच इसका एक सब ग्रुप है, तो हम एच ना लिखिए, अब एन लिखिए सब ग्रुप, क्योंकि हम नॉर्मल सब ग्रुप कहना चाहते हैं, तो नॉर्मल के एन वर्ड का सबसे, तो ये नाम लिख दिया। तो ये तरीके होते हैं मैथमेटिक्स में, नए नए तरीके। जी ग्रुप है और एन कोई है उसका सब ग्रुप। एन इज कॉल्ड, इस एन को हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, एन इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ GnG inverse belongs to N for all G belonging to G and for all N belonging to N। ध्यान से देखिए डेफिनेशन, थोड़ी आपको अच्छी नहीं लगेगी डेफिनेशन, मैं समझ रहा हूं इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, पर ये डेफिनेशन इतनी अच्छी तो नहीं मानेंगे आप, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, पर बहुत विचित्र डेफिनेशन भी नहीं है। क्या कहना चाह रहा है ऐसे ना, ये इस चीज को कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको एलजेब्रा में कॉन्जुगेशन कहते हैं, इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। देखिए एन में, एन का कोई भी एलिमेंट उठाइए, उस सबग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठाइए, उसको जी के किसी भी एलिमेंट से राइट में, लेफ्ट में, और उसके इनवर्स से राइट में, या उल्टा भी लिख सकते हैं, जी इनवर्स एन जी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेफ्ट में और राइट में मल्टीप्लाई करिए, तो वो जो नया एलिमेंट बनेगा वो फिर से एन में समाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ये आपका ग्रुप है बड़ा सा, ये आपका छोटा सा सब ग्रुप था मान लीजिए, इसमें कोई भी एलिमेंट उठाइए जी, यहां से कोई भी एलिमेंट उठाइए एन, एक नया एलिमेंट बनाइए इस तरह का, आश्चर्य की बात है कि ये एलिमेंट भी इसी के अंदर समा जाएगा। यदि समा जाता है इसके अंदर हर एन और हर जी के लिए, तब हम कहते हैं कि ये एन जो है ये नॉर्मल सबग्रुप हो गया। देख रहे हैं आप इसको, अब इसको कहने का तरीका मैं बदल रहा हूं थोड़ा सा, अब आपको पता चलेगा कोसेट पे क्यों मेरा जोर था, मैं कोसेट क्यों बोल रहा था, जरा ध्यान से देखिए अच्छी तरह से। जी एन जी इनवर्स मेंबर है एन का, जी एन जी इनवर्स मेंबर है एन का, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, कि जी एन जी इनवर्स दिखेगा किसी एन के बराबर जो एन में होगा। ये इसका मेंबर है तो इसी के किसी एलिमेंट के जैसा होगा ना, तो इसका एलिमेंट मान लीजिए एम है। अब देखिए आप इसमें राइट साइड में जी से मल्टीप्लाई करिए, मैंने आपको बताया था
कैंसिलेशन प्रॉपर्टी वाली बात, क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? ये किसका एलिमेंट है? एन का। ये किसका एलिमेंट है? एन का। इसका मतलब जीएन किसको बिलोंग करता है? ध्यान से देखो, जीएन किसको बिलोंग करता है? जीएन को, लेफ्ट को सेट। एमजी किसको बिलोंग करता है? एनजी को, ये एम एन का मेंबर है, राइट को सेट। इसका मतलब आपको हिंट मिली। क्या हिंट मिली? हाँ, ये अलग बात है कि ये लेफ्ट को सेट और राइट को सेट जरूरी नहीं कि बराबर हो, एक जैसे हो जरूरी नहीं है, ये अलग बात है। पर क्या बात हमने देखी, नोट की, क्या की? तो मैंने आपको हिंट दी अभी, एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरम बनाई मैंने। और क्या हिंट दी मैंने आपको, देखिए जरा यहां पर, समझिए मैं हिंट क्या दे रहा हूं। इसको करेक्टराइज करने की एक हिंट क्या है, जरा ध्यान से देखिए। इससे मुझे एक हिंट मिली। व्हाट हिंट आई एम गेटिंग हियर? इसने मुझे एक हिंट दिया। क्या हिंट दिया? जो एक थ्योरम के रूप में, और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हम अपने थ्योरम सेक्शन में यदि हम कभी प्रूफ करेंगे तो मैं इसको प्रूफ करके जरूर दिखाना चाहूंगा। क्या है इंपॉर्टेंट बात, क्या है इसकी? एन इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं, एन इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एन इन जी इज, एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एन इन जी इज ए राइट कोसेट ऑफ एन इन जी। मैं फिर से याद रखिए, मैंने ए एच इक्वल टू एच ए नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट भी होगा। कैसा होगा यह अलग बात है, किस रूप में होगा, और हर राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट भी होगा। और एक्चुअली देखेंगे बाद में चल के कि एन जी बराबर जी ए नहीं होता है, तो यह अलग बात है, यह अलग स्टोरी। पर आप इसको ध्यान दीजिए। तो मैंने इस नॉर्मल सबग्रुप की ये डेफिनेशन से, अब आपको ये डेफिनेशन अच्छी लगेगी, और ये इस डेफिनेशन का कनेक्शन याद करिए, इस डेफिनेशन की कनेक्शन के किससे है? कोसेट से है। और कोसेट थ्योरी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टराइजेशन है नॉर्मल सबग्रुप का। किसी भी, अब मैं आपको कोई ग्रुप दू, उसका कोई सब ग्रुप दू, और आपको बताना है कि नॉर्मल है कि नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है आपको, केवल क्या करना है, ये देखिए कि उसमें जो भी लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट होना चाहिए, जो भी राइट कोसेट है वो लेफ्ट कोसेट होना चाहिए। सिंपल सी बात, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिए, ये आपके कोर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टराइजेशन थ्योरम है। हमारी इस थ्योरम का से हमें क्या फायदा है, मैं ये देखना चाह रहा हूं। इसकी पहले, अच्छा, ये नॉर्मल सबग्रुप में, अब मुझे जो इंटरेस्टिंग बात है इसके एग्जांपल के बारे में, तो आपको एग्जांपल देने के, तो एग्जांपल के लिए फिर से वापस जाए आपकी प्रॉब्लम पे ऊपर। आपके लिए सबसे वो चार्ट जो बनाएंगे आप, क्या अगली क्लास में अगले लेक्चर सुनने के पहले प्लीज इस काम को जरूर करिए, मेक ए चार्ट, मेक ए टेबल, नॉट से चार्ट, मेक ए टेबल, जिसको हम ग्रुप टेबल कहते हैं, मैंने अपने ग्रुप टेबल, मेक ए टेबल फॉर S3 एंड फाइंड ऑल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ S3। S3 के सारे नॉर्मल सबग्रुप निकालिए। क्या मैं आपको एक हिंट दूं टेबल में कैसे ढूंढेंगे? मैं आपको एक हिंट देता हूं, आप उस टेबल में कैसे देखिएगा।
उस हिंट को देने के पहले मैं एक आपको इसको हम बात भी करिए, पहले मैं यहां बता रहा हूं आपको, मैं आप क्या करिए, आपको पता है S3 का ऑर्डर क्या होगा, 6 है, पता है पहले से। मैं जो हिंट दे रहा हूं सुनिए, इस हिंट को, इस हिंट के पीछे एक बड़ी मेजर थ्योरम है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं हिंट दे रहा हूं। इसका जो भी सब ग्रुप आप नॉर्मल सब ग्रुप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप ढूंढ रहे हैं, एक नॉर्मल सब ग्रुप तो आपको, दो नॉर्मल सब ग्रुप तो आपको हमेशा मिलेंगे, कौन से वाले, आइडेंटिटी एलिमेंट और एस थ्री इटसेल्फ, ये तो ट्रीवियल थे, मैंने बताया था ये नॉर्मल है, इनकी चिंता नहीं मुझे, इसके अलावा बोल रहा हूं, इसके अलावा जो भी आप सब ग्रुप ढूंढ रहे होंगे इसका, जिसको आप नॉर्मल कह रहे होंगे, उसके लिए हिंट है कि उसका ऑर्डर मैं इस पर बाद में बोलूंगा, एक मेजर थ्योरम इससे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड विथ ए ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ ए, ये हमारा टॉपिक बात का है, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप बात का है, मतलब हम इसको पढ़ेंगे, मतलब कहने का मतलब मैं उस सब ग्रुप की बात कर रहा हूं जिसके ऑर्डर से यदि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करूं तो दो बार, टू टाइम्स डिवाइड होना चाहिए। तो आपको पता है सिक्स ऑर्डर वाले सब ग्रुप ग्रुप को टू टाइम्स डिवाइड वही सब ग्रुप कर सकता है जिसका ऑर्डर थ्री है। मैंने ये अभी तक नहीं कहा कि थ्री ऑर्डर के, यदि आपको थ्री ऑर्डर के सारे सब ग्रुप नॉर्मल हो जाएंगे, ये नहीं कहा, मैंने कहा यदि कोई नॉर्मल सब ग्रुप मिलने वाला होगा तो उसका ऑर्डर थ्री होगा, जो इनसे हटकर है, इन दो से हटकर है। तो कोशिश करिए, मैं इस सब ग्रुप को आपको चार्ट में बना के दिखाने वाला हूं अपने आप इसी लेक्चर में। सो हमने जो यहां बात की है, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, उसके पहले मैं बता दूं मैं अगले टॉपिक में कौन सी थ्योरम के बारे में जरा चर्चा करना चाहता हूं, यह फिर कोसेट से आएगी, लैग्रांजियस थ्योरम। ये बिल्कुल पिलर है, पिलर है ये ग्रुप थ्योरी का, सबसे पहला माइलस्टोन है ग्रुप थ्योरी का, सबसे पहला माइलस्टोन, जबरदस्त। क्या है माइलस्टोन है, इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ एच किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, किसी भी फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को उसके सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये कितने ऑर्डर का सब ग्रुप था, सिक्स ऑर्डर का, इसको डिवाइड करने वाले नंबर केवल क्या हो सकते हैं, वन टू थ्री और सिक्स। वन वाला सब ग्रुप ये है, सिक्स वाला सब ग्रुप ग्रुप इटसेल्फ है, थ्री वाला मैंने आपको ढूंढने को कहा था, टू वाले के ऊपर मैंने बात नहीं की है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। इसका मतलब कोई आदमी आपसे ये पूछे कि आपको 15 ऑर्डर का ग्रुप दिया है, मान लो किसी ने आपको 15 ऑर्डर का ग्रुप दिया, मान लीजिए किसी ने आपको 15 ऑर्डर का ग्रुप दिया और आपसे पूछा क्या इसके, क्या इसका एक सब ग्रुप हो सकता है 7 ऑर्डर का, इज इट पॉसिबल दैट जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7? आंसर इज इम्फेटिक नो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोचना भी नहीं है, आंसर इज नो फ्रॉम लैग्रांजियस थ्योरम। यदि इसके 7 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो अकॉर्डिंग टू लैग्रांजियस थ्योरम ऑर्डर सब ग्रुप के ऑर्डर को ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, इसका मतलब 7 को 15 को डिवाइड करना चाहिए, पर 7 तो 15 को डिवाइड कर ही नहीं सकता,
इसलिए सेवन ऑर्डर का सब ग्रुप हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि सब ग्रुप है तो उसके ऑर्डर के बारे में हमें पहले से जानकारी है। उसके 15 ऑर्डर के ग्रुप के सब ग्रुप यदि हैं तो उनके ऑर्डर ये पॉसिबल है। जब मैंने बोला है पॉसिबल है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो भी सकता और नहीं हो सकता, पर पॉसिबल कौन कौन से ऑर्डर के हैं? सब ग्रुप्स पॉसिबल कौन कौन से ऑर्डर के पॉसिबल है? पॉसिबल ऑफ ऑर्डर यदि होंगे तो केवल 1, 3, 5 and 50, बस इसके अलावा कुछ नहीं। टू ऑर्डर का नहीं हो सकता सब ग्रुप, क्योंकि 215 को डिवाइड नहीं करता। 4 ऑर्डर का नहीं हो सकता, 415 को डिवाइड नहीं करता। 6 ऑर्डर का नहीं हो सकता, 615 को डिवाइड नहीं करता। तो मुझे पहले ही पता चल गया कि किसी दिए हुए ग्रुप के सब ग्रुप होने के चांसेस क्या क्या हैं। केवल इस 4 तरह के हो सकते हैं सब ग्रुप, पर इसका मतलब ये नहीं कि 5 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल ही जाएगा। यदि मिलेगा तो 5 ऑर्डर का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर होंगे यही ऑर्डर वाले सब ग्रुप। और ये मेन इस थ्योरम का मेन जिस्ट है कि आपको बताता है कि क्या पॉसिबिलिटी है सब ग्रुप होने की। कन्वर्ट सही नहीं, एग्जैक्टली नहीं बताता कि सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, पर यह बता देता है खोजिए कहां पर, कहां खोजें। तो मुझे सब ग्रुप जो खोजने हैं वो केवल इन ऑर्डर के खोजने हैं, मिलेंगे तो यही मिलेंगे और कहीं नहीं। तो इसके बाद में हम लैग्रांजियन थ्योरम, इसके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे।